सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आखिर क्यों हमारे इंडिया, भारत, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त को सबसे अच्छा कहा गया है? क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया बसती है और इसे किसी एक नाम से बांधा नहीं जा सकता। भारत, जिसके कदमों पर समुंदर और सर पर हिमालय का ताज है, फूलों से महकती वादियाँ जिसकी पहचान है और गंगा की पवित्रता जिसका इमाम है, और ये विभिन्न जाति धर्म त्यौहार वाला ये देश भारत मोहब्बत और नफरत के कई पड़ावों से होकर गुजरा है। आज भारत अपनी आज़ादी के 75वें साल पूरे होने की खुशी में अमृत महोत्सव मना रहा है, हर घर तिरंगा फहरा रहा है। लेकिन ये आज़ादी पाने के लिए 200 साल से ज़्यादा का संघर्ष और लाखों लोगों ने अपने जान की आहुति दी है, जिनमें से कई मशहूर स्वतंत्रता सेनानी के नाम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के रूप में हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसी कई महिलाएं स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जिनका नाम इतिहास के पन्ने में कहीं गुम सा हो गया है या शायद है ही नहीं। इसीलिए हम आज की वीडियो में ऐसी तीन वुमेन फ्रीडम फाइटर और देश की असली फेमिनिज्म पावर के बारे में जानेंगे जिनका आज़ादी में बराबर योगदान रहा है, लेकिन उन्हें उतनी लोकप्रियता नहीं मिली। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेंबर के साथ इस इंडिपेंडेंस डे ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जरूर शेयर करें। और आप फ्यूचर में ऐसा किसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरा ये न्यू इनिशिएटिव कैसा लगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो आप आई बटन में क्लिक करके ये वाली वीडियो जरूर देखें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को प्रेस करें। हाल ही में हमारे देश की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने फेमिनिज्म पावर एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक नई मिसाल कायम की है। लोगों के लिए भले ही ये कोई वोट बैंक पाने का कोई नया तरीका या कोई पॉलिटिकल रीजन हो, बट मुर्मू जी ने भारत के हर इंसान के लिए और स्पेशली यंग गर्ल्स के दिल में एक ऐसी होप जगाई है जिससे वो मेहनत करके और अपने जीवन की हर मुश्किल पार करके वो सब कुछ पा सकता है जो वो अपने जीवन में पाना चाहता है। इफ वन कैन डू इट, एवरी वन कैन डू इट, राइट? अगर आप हमारी प्रेसिडेंट की इंस्पिरेशनल जर्नी देखना चाहते हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के ऐसी तीन वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने आजादी में अपना सब कुछ दे दिया है। नंबर वन, मतंगिनी हाजरा, जिनका जन्म 1869 में होगला विलेज में हुआ था। जिनके पिता एक गरीब किसान थे, इसलिए वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाई। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, वो भी एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी से। 6 साल बाद वो विधवा हो गई, जिसके बाद वो गांव आकर अपना पूरा जीवन आजादी के संघर्ष में लगा दिया। हाजरा जी गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी, इसलिए वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर आजादी के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ पूरे गांव में कुछ कर दिखाने का जोश जगाया। उनका गांधी जी के प्रति डेडिकेशन देख के उनका नाम बूढ़ी गांधी भी पड़ा। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को अपने जीवन में उतारने के लिए उन्होंने नमक बनाना भी शुरू किया, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने उन्हें उनके एरिया का लीडर बना दिया, जहां उन्होंने 6000 लोगों की रैली निकालकर पुलिस स्टेशन का घेराव किया, तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और 72 इयर्स की मतंगिनी हाजरा के लेफ्ट हैंड में गोली लगी। और कोई होता तो वहां से भाग जाता, राइट? लेकिन हाजरा जी ने भारत का झंडा राइट हैंड में पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। फिर गोली राइट हैंड में और तीसरी गोली सिर में पड़ी। उसके बाद भी आखिरी सांस तक झंडा जमीन में नहीं गिरने दिया और वंदे मातरम का नारा लगाती रही। हाजरा जी हमारे देश की ऐसी पहली बुजुर्ग फ्रीडम फाइटर हैं जिनकी मूर्ति कलकत्ता में लगाई गई, और 50th डेथ एनिवर्सरी में इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया। और 72 ईयर्स की एज में गोली लगने के बाद भी ऐसा जोश किसी सच्चे देशभक्त का ही हो सकता है, राइट? नंबर टू, भिकाजी कामा, जिनका जन्म 1861 में एक रिच पारसी फैमिली में हुआ था। इसके बाद भी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सोशल वर्क और वुमेन्स के हक के लिए आवाज उठाने में लगा दी। उनका ज्यादातर समय पेरिस और लंदन में ही बीता, लेकिन वहां रह रहे भारतीयों के दिल में उन्होंने आजादी के खिलाफ एक नई चिंगारी शुरू की और वंदे मातरम न्यूज़पेपर भी पब्लिश करना शुरू किया। उन्होंने आजादी के साथ साथ ह्यूमन राइट्स के लिए भी बहुत ज्यादा आवाज उठाई, जिसकी वजह से उनका नाम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन पड़ा। उनका मानना था कि भारत जब भी आजाद हो, वुमेन्स को राइट टू वोट के साथ साथ हर एक राइट मिलना चाहिए, और उनके लिए एक तरफ वुमेन्स को बराबरी का दर्जा दिलाना और दूसरी तरफ अपने देश को ब्रिटिशर से आजाद कराना, दोनों ही बराबर था। 1885 में उनकी शादी रुस्तम कामा से हुई, जो कि एक लॉयर थे। वो ब्रिटिशर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और उनकी ही भाषा बोलते थे, और भिकाजी कामा इनसे बिल्कुल अपोजिट, अ ट्रू इंडियन पेट्रियट। आफ्टर ऑल इट वॉज नॉट अ हैप्पी मैरिज। उन्होंने ये सब चीजें छोड़कर अपना पूरा लाइफ सोशल वर्क और वुमेन्स को अवेयर करने में निकाल दिया। और यही नहीं, आजादी के 30 साल पहले 1907 में वो देश की ऐसी पहली पर्सन बनी जिन्होंने विदेशी जमीन में जाकर भारत का झंडा लहराया हो। नंबर थ्री, सरोजनी नायडू, जिनका जन्म 1879 में हैदराबाद में हुआ था। वो बचपन से ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही थी और उनका पोएट्री करने का बहुत ज्यादा शौक था, और उन्होंने अपनी पोएम्स के थ्रू भारत के बड़े बड़े इवेंट्स और भारत पर हो रहे अत्याचार को लिखा।
और इसलिए वो भारत की फ्रीडम फाइटर बनने के साथ साथ भारत की एक मशहूर पोएट्स में से भी एक है, जिससे उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल मिला। उन्होंने वुमेन राइट्स के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी ज्यादा काम किया और वुमेन्स को इनकरेज किया कि घर से बाहर निकलकर आजादी के खिलाफ आवाज उठाइए। उन्होंने गांधी जी के साथ सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च और क्विट इंडिया जैसे मूवमेंट में सबसे आगे रही, जिससे उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी बनी और उत्तर प्रदेश की फर्स्ट वुमेन गवर्नर। सो दोस्तों, ये थी हमारी देश की ऐसी तीन वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी जिनसे हम काफ़ी लोग अनजान थे। और आप फ्यूचर में ऐसा किसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरा ये न्यू इनिशिएटिव कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस इंडिपेंडेंस डे अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।